हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फाइनली वो दिन आ गया भाई। अभी बहुत जल्दी से कई सारे काम करने वाला हूँ। सबसे पहले तो वोटिंग करने जाने वाला हूँ, क्योंकि टाइम बच गया 7 और 7 बजे वोटिंग बूथ से वोटिंग स्टार्ट होगी। तो मुझे पूरी तैयारी है कि भैया सबसे पहले वोटिंग मैं ही कर दूँ। बाकी यहाँ पे लगेज जो है भाई ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। और जाने देखो, हमने सैंडविच और चाय वगैरह का नाश्ता कर लिया है। और यहाँ पर भाई मैं लगा रहा हूँ अपने कैंपर में भाई, क्या ये आइस, और इसको हथौड़े से तोड़ के डाल दूंगा। एक आइस एरी, एक एरी, और कैंपर में सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ये मैं लगा देता हूँ जल्दी से करके। बहुत सारी हैं वैसे तो, ठीक है। और इसको भी खोलता हूँ, ये लो, ठीक है। अब स्पाइस डाल देता हूँ मैं, गीली आइस और भाई ठीक है, ये डाल दी और ये वाली आइस कोई नहीं, ये इतना हो गया। ये हो गया फिट काम, देखो चकाचक एकदम, ठीक है ना। सो दोस्तों, आइस लगा करके भाई कैंपर के अंदर कोल्ड ड्रिंक भर दिया, पानी की बोतल भर दी है। और फाइनली अभी वोट के लिए जा रहा हूँ, तो अपने आधार कार्ड और जो वोटिंग की पर्ची मिली थी वो लेकर के मैं और पूनम सीधे जा रहे हैं भाई कहाँ पर वोट करने। तो मिलते हैं आपसे सीधे वोटिंग बूथ पर, अगर वहाँ कैमरा अलाउड हो तो। जहाँ हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि कभी कैमरा अलाउड नहीं होता, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों वोटिंग डल चुकी है भाई, और अभी तो मैं बूथ में ही खड़ा हूँ। बाकी अभी लो पूनम भी आ गई, दिखाना डल गई, दिखाओ। तुमने मिटा दिया क्या? अरे मैं रखती नहीं हूँ उसको। अरे यार तुम भी गुरु आदमी हो। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली दोस्तों भाई आ चुका हूँ रोड पे देख के सामने, और अब मैं रोड पार करने वाला हूँ। चलो आओ, और ये तुहाडे भाई नू गाड़ी है खड़ी है सामने। आओ भाई आओ आओ आओ, एक गड्डी ये खड़ी है, एक गड्डी ये खड़ी है। चलो भाई, ये पुलकित भाई है, ये छोटू भाई है। तो दोस्तों पूरी टीम भाई गाड़ी में सवार हो चुकी है, और भोलेनाथ के भाई हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि आज हम सफर पर निकल चुके हैं। और अभी तक मैंने अपनी लोकेशन जो रिवील नहीं करी है, तो लोकेशन पर जाकर ही लोकेशन को रिवील करेंगे। बाकी एक गाड़ी तुम्हारे भाई नू आगे चल रही है, आगे देख सकते हो, एक ग्रैंड विटारा अपने साथ और एक अपनी गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये होंडा सिटी है। पीछे पूरी टीम है, बच्चे है, ये है पुलकित। तो भाई पुलकित हेलो दोस्तों, हेलो, बस थोड़ा ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। बिल्कुल पुलकित से रूबरू कराऊंगा। पीछे हमारी भाभी बैठी है, भाभी हाय कर दो। और पीछे छोटू बैठा हुआ है, और इधर हमारी टीम बैठी हुई है। तो दोस्तों अभी चलते हैं, सफर को तय करते हैं, और जब पहला स्टॉप लेंगे तब आपसे मुलाकात थोड़ी डिटेल में करेंगे। आप देखते हैं कितनी मस्ती होने वाली है, कैसी लोकेशन होने वाली है, और कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कभी भी जाने से पहले मुझे ये नहीं पता होता मैं कहाँ जाऊँगा। लोकेशन तो पता है, बट बीच में कहाँ जाऊँगा वो नहीं पता होता। तो एक बार चलते हैं और फिर आप। तो दोस्तों सफर में आगे बढ़ रहे हैं भाई, और फाइनली गंगा माता जी के दर्शन हो गए। तो हमने जयकारा लगा दिया, और एक बार और लगाए थे, बोलो गंगे मैया की जय। तो भैया गंगे मैया की जयकारा लग चुका है, और बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे। बाकी एक छोटा सा हमने ब्रेक ले लिया है, बच्चों को गन्ने का जूस पिला दिया भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें पीनी चाहिए सारी चीजें। तो बहुत मजा आया, और जूस क्योंकि भाई इधर गन्ने की खेती होती है, तो सच बताऊं यहाँ का जूस बहुत अच्छा था। अभी चलते हैं और देखते हैं अगला स्टॉपेज हम कहाँ पर लेने वाले हैं।
चलो चलो गाड़ी दिख जाएगी, लगा दे भाई लड़के, छाव में लगा दे, उधर लगा दे स्कॉर्पियो के साथ। तो दोस्तों अभी आ चुके भाई चस्का पंजाब दा, हमारी लोकेशन देख क्या हो ना, चस्का चस्का हाँ चस्का पंजाब दा। लो भाई लड़का उतर आए, ओए होए भाई सक्षम तेरी गोद में आ गया भाई, तो भाई छा गए लड़के, छा गए भाई सक्षम नींद में, अभी नींद में। तो दोस्तों आ चुके हैं भाई चस्का पंजाब दा ढाबे पे, अब ढाबे पे रोटियां तोड़ेंगे क्योंकि भूख लग रही है, सभी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो एक गड्डी ये लगा दी, दूसरी गड्डी आ रही है तोड़ी, दूसरी गड्डी भी आती होगी मेरा भाई, दूसरी गड्डी भी आ गई तोड़ी। ये देखो भाई खाना वाना खा के सब फ्री हो गए हैं, लंच तो हो गया है, बाकी सब लोग अपना थोड़ा सेटिंग चेंज करने में लगे हुए हैं, ये कैंपर का यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों खाना पी का खाना पीना खा के बिल्कुल फिट हो गया भाई, और अब निकल रहे हैं और फाइनली ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ मैं, और अब चलाने वाला हूँ गाड़ी, बाकी दूसरी गड्डी जो है वो भी रेडी हो गई है। तो अब कमान जो है मैं पुलकित के हाथ में देने वाला हूँ और मैं करने वाला हूँ ड्राइव, तो अभी चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों पहुंच चुके कैची धाम, और भाई ये कैची धाम का एंट्रेंस पॉइंट है, बाकी इधर है और पूरे आश्रम को घूमते हैं और भाई मत्था टेकते हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो अभी चलते हैं, जूते रख दिए बस आगे ही मिलो, यही मिलो, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, चलो चलो चलो। तो दोस्तों सबसे पहले भाई जूते जमा करवा देते हैं हम लोग सारे मिलके, देन वी विल गो टू कैची धाम। चलो बार बार
चलो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए हैं भाई पूरी टीम के, टीम आगे निकल चुकी है हमारी और अभी जा रहे हैं हम जहाँ पे हमने जूते रखे थे उनको लेने। बाकी बाबा का दरबार यहाँ से ऐसे दिखता है और ये भाई यहाँ पे बीच में से रास्ता है, वैसे तो बढ़िया है जाने के लिए भी। अच्छा उधर भी पार्किंग है, उधर भी पार्किंग है, ठीक है आओ चलो चलते हैं दोस्तों। गाइस गाड़ी में अंधेरा तो हो चुका है, चलो उतरो भाई उतरो। रुको ओए ठंड का मौसम आया आया, मौसम हम पे छाया छाया। देख भाई दिखाओ इसे, दिखाओ जल्दी इधर इधर दिखाओ। ओए ये नहीं है तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं भाई नैनी लेक पे, जो नैनीताल के अंदर है लेक पे पहुंच चुके हैं और चांस की बात है कि हमारी गाड़ी लास्ट एंट्री हुई है, ये खड़ी हमारी गाड़ी, इसके बाद यहाँ पे एंट्री बंद कर दिया क्योंकि मॉल रोड सजने वाली है भाई, ये मॉल रोड का एरिया है, मॉल रोड धीरे 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 सजने वाली है और नॉर्मल गाड़ियों की एंट्री जो है बंद कर दी है। बाकी कपल्स हैं भाई जो इंजॉय कर रहे हैं और इतने देख सकते हो भाई ये सुहाना सा मौसम। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद भाई पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और गाड़ी लगा दी है, ये एक पार्किंग में ये लगा दी है और बाकी वो, और अब जा रहे हैं रिजॉर्ट में ऊपर की तरफ। रिजॉर्ट का कैसा व्यू है क्या है वो ज़रूर से ज़रूर सुबह दिखाऊंगा। मैं हूं फाइनली दोस्तों पंगोट में, तो पंगोट में कैसा रिजॉर्ट है क्या है सुबह ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगा। अभी जाते हैं, बच्चों ने चेक इन कर लिया है, हम पहुँचते हैं ऊपर। भाई लोग भी थक गए बिल्कुल, लगेज लेके खड़े हैं, लगेज ऑलरेडी सारा चला गया है। तो आज की लोकेशन यही है, अभी ऊपर चलते हैं देखते हैं और क्या बेहतर मिलने वाला है।